एक आदमी की दो बीवियां हैं, दोनों को एक ही बिस्तर पे इकट्ठे सुलाए, वैसे तो कोई मना नहीं, बीवियां हैं, लेकिन उलमा ने लिखा है कि नजायज है, क्योंकि कभी भी किसी की अगर कोई गैरत जाग पड़ी ना तो इंशाअल्लाह तुझे सोते हुए मार डालेंगे। सुबह को लोग अल्लाह की रहमत से जनाजा ही उठाएंगे कि शहीद निसा औरतों का शहीद हो गया है। मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि भाई मना नहीं है, लेकिन उलमा इसको मना करते हैं, इसका मतलब ये है कि कुरान में मना नहीं है कि दो बीवियां और एक खामद, थ्री सम जिसे हम कहते हैं, अगर इकट्ठे सेक्स करें तो मना नहीं है, लेकिन अगर चार बीवियां एक खामद के साथ होंगी तो चार और एक खामद इकट्ठे सेक्स करें, या फिर मजीद ये कि चार बीवियां और लामहदूद लौंडियों, क्योंकि लौंडियों की कोई तादाद नहीं है, कि इस्लाम से कबल मक्का के माशरे में लौंडियों के साथ सेक्स होता था, लेकिन कुरान ने उसको तब्दील नहीं किया। कुरान ने उसमें तब्दीली ये की थी कि इस्लाम से कबल मक्का के माशरे में मर्द अपनी लौंडियों के साथ सेक्स करते थे जो उनकी बीवियां नहीं होती थी, लेकिन इस्लाम ने मर्दों के साथ औरतों को भी ये हक दे दिया था कि वो भी अपने गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हैं, और औरतों के इस हक को हजरत उमर ने खत्म किया था जब कुरान की इसके व्हाट यू आर राइट हैंड पोजेस आपका दाएं हाथ, जो छह आयात हैं सूरह नसा आयत 24, सूरह अल मोमिनून आयत 6, सूरह अल उजार आयत 50, सूरह अल मारज आयत 30, ये अपनी बीवी के अलावा आपके पास अगर लौंडी है, एक है, दस है, सो हैं, उनके साथ भी सेक्स कर सकते हैं। हाँ, वो अगर ना चाहें तो उनसे, अपनी लौंडियों से आप जिस्म फरोशी नहीं करा, ये हुक्म नहीं है कि आप नहीं करा सकते, लेकिन ये है कि आप ना कराया करें, अगर वो नहीं चाहती उनसे ज़बरदस्ती ना करें, ये स्टेटमेंट है, ये हुक्म नहीं है। पाकिस्तान के मौलवी जो हैं उन्होंने अपना इस्लाम बनाया हुआ है मस्जिदों और मदरसों का, अफगानिस्तान के मौलवी जो हैं उन्होंने अपना बनाया हुआ है, और वो लोगों के सामने लोगों को फूल बनाते हैं कि ये कुरान कहता है। कुरान की इबारत अपने वक्त और माहौल पर लागू थी, आज लागू नहीं है। अगर आज लागू है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये एक खामंद और चार बीवियों और लामहदूद क्या आज अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि कुरान की इबारत अपने वक्त और माहौल से है, आज से नहीं। जो लोग चार शादियों का मजहबी जवाब पेश करते हैं उनके सामने ये सवाल है कि इस्लाम से कबल मक्का और मदीना के माशरे में लोग कितनी शादियां करते थे, क्या लामहदूद शादियां नहीं करते थे? अगर लामहदूद शादियां करते थे तो इस्लाम के बाद क्या तब्दीली आई और क्यों आई? इस्लाम ने लामहदूद शादियों को कम करके चार तक महदूद किया। क्यों चार तक महदूद किया? इसलिए कि मदीना के यूश जो थे वो उस वक्त चार बीवियां करते थे, जो उन्होंने 12वीं सदी में इस रस्म को खत्म किया। तो रस्म और रिवाज, कायदे कानून हर माशरे की माशरती ज़रूरतें होती हैं, और जब वो माशरती ज़रूरतें बदलती हैं तो कायदे कानून रस्म रिवाज और इखलाकियात भी बदलती हैं। इसलिए ये जवाब पेश करना कि मजहबी इबारत आज भी लागू है, लोगों को गुमराह करना, अपने सियासी मफादात के लिए मदद को इस्तेमाल करना, अपने माली मफादात के लिए मदद को इस्तेमाल करना, माशरे को पीछे रखना, ये इसकी बुनियादी सबब है।